खबर उत्तर प्रदेश की जनपद बरेली के 118 विधानसभा क्षेत्र बहेड़ी से है, जहां कुछ दिन पहले पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह ने अपने क्षेत्र के विकास कार्य के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखे थे, जिस पर सपा विधायक भड़क गए। उन्होंने कहा कि जब वह मंत्री थे तब याद नहीं आई कार्यों की, अब हम विधायक हैं तो कार्य हम करवाएंगे वह नहीं। और चुनाव हार चुके हैं, जिसके जवाबों का पलटवार करते हुए आज पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। बहेड़ी में फायर स्टेशन का निर्माण करवाया, उसके लिए एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मेरे द्वारा दिलवाई गई। खिरनी में चेक डैम का निर्माण करवाया गया। कोरोना काल में विधायक निधि से सैनिटाइजर और ये स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाओं का कार्य हमारे द्वारा किया गया। बड़ी बड़ी ग्राम सभाओं में, पंचायतों में विकास के कार्य अतिरिक्त रूप से कराए गए, जिसमें गिरधरपुर शामिल है, मुडिया शामिल है, हरसिया बोस शामिल है, सकरत शामिल है। ये सब कौन गांव है जिनमें अतिरिक्त अलग से पैसा दिया गया विकास के लिए, अब मैंने करवाया। नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य, ये हमारे द्वारा आज टेल तक पानी जाता है। ऐसे ही संपर्क मार्गों का जहां था, जो भी आज कोई गांव भेड़ी का ऐसा नहीं है जो कहीं ना कहीं से सड़क से नहीं जुड़ा। ऐसे लगभग 115 गांव में मेरे द्वारा सीसी निर्माण कार्य कराया गया 115 पंचवर्षीय योजनाओं में। 49 विद्यालयों को मेरे द्वारा 49 प्राइमरी स्कूल जूनियर हाई स्कूल को बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर उपलब्ध करवाया। ऐसे 23 नालों का निर्माण मेरी निधि के द्वारा करवाया गया। मेरे द्वारा 300 हैंडपंप इंडिया मार्क का हैंडपंप लगवाने का कार्य इसी 5 वर्षों में किया गया। 6 बड़े बड़े नलकूप गांव में जहां जहां पानी की समस्या थी वहां पर करवाया गया। जल शक्ति मिशन से हर गांव जोड़ा जा रहा है घर घर जल योजना के माध्यम से। ऐसी भेड़ी ब्लॉक और दमखोदा ब्लॉक दोनों में भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा और विकास कार्य अभी भी प्रगति पर है। हर गांव में कुछ ना कुछ काम ऐसे चल रहे हैं। मैं इसकी आपको डिटेल। भेड़ी की सपा के विधायक अता रहमान के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुझ पर कुछ आरोप लगाए गए। मैंने कोई काम नहीं कराया, मेरे द्वारा कार्यों का विवरण जो भी है मैंने अगर विकास नहीं कराया है तो मैं उसका विवरण आपको अभी प्रस्तुत करता हूँ। मेरे पर आरोप लगाया है 5 वर्षों में क्या कराया आप तक बताया नहीं कभी। मैं जब विधायक था मैंने नहीं कराया, मैं उसका अभी दूंगा आप सब लोगों के लिए और आपके माध्यम से आम लोगों तक वो बात पहुँचे ऐसी अपेक्षा है। मेरे द्वारा अभी भी, मैं अभी 3-4 दिन 5 दिन पहले लखनऊ गया था तो कुछ एक विकास के काम माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से मैं देकर आया था और वो मीडिया ने प्रकाशित कर दिया, सोशल मीडिया ने प्रकाशित कर दिए और उस पर उन्होंने टीका टिप्पणी की। तो उस पर उन्होंने जो कुछ ही बोला उसका मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने कब कब क्या क्या किया। अभी उन्होंने बोला कोई विकास नहीं कराया तो मैंने पुलों के संबंध में 3 बड़े बड़े पुल उनको शायद नहीं दिखे, किशा पर, किशा नदी पर नारायण नंगला पे पुल, बर्गमा पे पुल, पद्मी पे पुल, ये बड़े बड़े छोटे पुल नहीं है, बड़े बड़े पुल ये उनको शायद नहीं दिखे। उनको शेरगढ़ रोड, शीशगढ़ रोड, बंजरिया रोड, कताई मिल रोड, जिनको वो सब अपना बना बताते हैं मैंने बनवा दिए। ऐसे ही ये उत्तम नगर को रोड जाता है मंडनपुर से, उनसे शासन को भारत सरकार को कर देंगे तो वो पुल बन जाएगा, ऐसा मैंने लिखा था। पहले भी मैंने पत्र लिखे थे, ये वो पत्रों के मेरे पास तारीखें भी हैं। 20 अप्रैल 2018 को, 23 अक्टूबर 2019 को मैंने लिखा है पत्रों के संबंध में। ओवरब्रिज पर बनाया जाए 28 नवंबर को 2018 को मैंने लिखा पत्र लिखा, मेरे पास पत्र की कॉपी। मैंने सड़कों के निर्माण के समय 18 मार्च 2018, 28 अप्रैल 2018, 7 दिसंबर 2019, 9 फरवरी 2020 उस शासन को पत्र लिखे कि निर्माण कुछ उसमें से निर्माण भी हुए, कुछ अभी भी शेष है। मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने कुछ कराया नहीं, उन्होंने क्या कराया, अताउर रहमान ने क्या कराया? एक रिशा जाने वाला मार्ग और वो भी कुंडरा तक, बालपुर तक का 1.5 किलोमीटर हिस्सा छूट गया, आज तक नहीं बना। मैंने पिछली 3 साल पहले, 4 साल पहले उस पर
कब चौड़ा था? सीसी डलवाया, पानी के भराव के कारण से वहां संकट होता था, सीसी रोड डलवा के मैंने उस रोड को जुड़वाया, फीलवी से जुड़वाया। ये वो पैसा कहाँ गया? आखिर उसको कमीशन में खा गए, काहे में खा गए? आखिर क्यों नहीं बन पाई? मुझसे कह रहे थे वो रोड पे सब उखड़ गया है। अरे पिछले साल भर से तुम विधायक। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।